सनसनी। G5 का दरिंदा जो बच्चों की जान से खेलता था, G5 का शैतान जो बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर देता था, G5 का राक्षस जो बच्चों का मांस खाता था, और अब G5 के आदमखोर को मिलेगी फांसी। नरपिशाच का डेथ वारंट। जेल तैयार है, जल्ला तैयार है, फांसी का फंदा भी तैयार है, और मौत की सजा से बस चंद दिन ही दूर है वो शख्स जिसके गुनाह की कहानी सुनकर अब भी लोग कांप जाते हैं। कहानी है उस सुरेंद्र कोहली की जिसे अब मिलने वाली है फांसी की सजा। कौन भूल सकता है इस चेहरे को, जो शक्ल से दिखता तो इंसान था, लेकिन इसकी करतूत के खुलासे के बाद एक बार अदालत ने भी इसे राक्षस करार दिया था। कौन भूल सकता है कोठी नंबर T5 को, जहां ये शख्स मासूमों की चीख पर हंसता था और उन्हें अपने हाथों से मौत देकर अपने वहशीपन का मनाता था जश्न। जी हां, ये निठारी कांड का वही सुरेंद्र कोहली है जिसकी गुनाह की कहानी सामने आने के बाद बेरहम, दरिंदगी, हैवानियत जैसे लफ्ज भी छोटे पड़ गए। दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 31 में निठारी गांव में सुरेंद्र कोहली मासूमों का शिकार करने वाला किसी आदमखोर भेड़िये की तरह था। करीब 8 साल पहले नोएडा पुलिस ने जब निठारी गांव के कोठी नंबर T5 में रहने वाले सुरेंद्र कोहली के गुनाह का खुलासा किया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, और इसके बाद धीरे धीरे खुलने लगी निठारी गांव से लापता हो रहे बच्चों की वो कहानी जिसका खौफनाक राज कई महीनों से इसी कोठी नंबर T5 में कैद था। सुरेंद्र कोहली ने खुद कबूल किया था कि उसने कितने मासूमों के साथ बलात्कार किया, कैसे उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा, और कैसे लाशों के साथ आदमखोर जैसा सुलूक किया। सर, मैं इनके साथ जब काम करता था तो जो भी लड़कियां आती थी उनका खाना बनाना, उनको खाना खिलाना, फिर ना जाने क्यों सर मेरे को भी कुछ, मेरा भी मन अकेला होने के कारण बह जाता था, कुछ गलत भावनाएं आती थी। इस तरह की भावना क्यों आती? पता नहीं इस तरह की भावना क्यों आती थी, शायद अकेलेपन की वजह से। वैसे मैंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया, एक दो दिन तो काफ़ी कंट्रोल किया सर। फिर मैं कोठी से बाहर गेट पे चला जाता था, वहाँ जो भी लड़की, औरत, बच्चा देखता था उसको घर ले आता था। कोहली का एक बालिया बयान कोर्ट में दर्ज हुआ था। CBI ने अपहरण, रेप और मर्डर के 16 मामलों में कोहली के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 5 मामलों में अदालत कोहली को फांसी की सजा सुना चुकी है। कोहली के खिलाफ अभी 11 और मामले चल रहे हैं। कोहली ने फांसी के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। यही नहीं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी फांसी की सजा को कायम रखा, और बाद में राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी। इसके बाद तो ये तय ही हो गया था कि कोहली को किसी भी दिन फांसी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने कोहली का डेथ वारंट जारी किया है। नियम के मुताबिक फांसी के लिए पहले कोर्ट से डेथ वारंट जारी होता है और इसके साथ ही तय हो जाती है फांसी की तारीख। सूत्रों के मुताबिक कोहली को 10 सितंबर को फांसी दी जा सकती है। कोहली इन दिनों गाजियाबाद की डासना जेल में कैद है, लेकिन डासना जेल में सुविधा की कमी की वजह से
उसे फांसी दी जाएगी मेरठ की जेल में। और जो शख्स कोहली को फांसी के फंदे पर लटकाने वाला है वो है पवन। जी हाँ, ये वही पवन है जिन्हें फांसी देने वाले जल्लाद के तौर पर पहचाना जाता है। पवन की माने तो मेरठ जेल में सुरेंद्र कोहली की फांसी के लिए पुख्ता इंतजाम किया जा चुका है। कल फांसी घर से करवाया जी, कल फांसी घर से करवाया, कल वो कल रस्ता तय करवा रहे कल। और साहब पिछली साहब के ही साथ उनका ऑर्डर आता था आर के वर्मजीत के साथ मुझे। आपके पास क्या सूचना है इससे संबंधित? मेरे पास सूचना मुझे कल ही मिल गई थी। क्या शेख साहब, अब वीडियो को ज्यादा शॉर्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अधिकारी ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया। जेल में कोहली को फांसी देने को लेकर पवन ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये साफ है कि फांसी के इंतजाम से लेकर उसके अंजाम तक पवन की सबसे बड़ी भूमिका होगी। ये काम पहले पवन के पिता किया करते थे और अब इस काम के लिए जेल से पवन को ही बुलावा भेजा जाता है। पवन इससे पहले भी फांसी को अंजाम दे चुके हैं। पवन की माने तो अधिकारियों के आदेश के बाद उन्हें मेरठ जेल में फांसी की तैयारी करने को कहा गया है। फांसी का रस्सा, लोहे का लिवर और लकड़ी का तख्त सब कुछ तैयार है। फांसी कर फेंक रहा था जी ब्रिज में। अच्छा जी, अच्छा क्या क्या हुआ वहाँ? कल खटखट का तो मतलब तेल ग्रीस कल मैंने कर किया, चेक करा मैंने फट्टे वट्टे का थोड़ा से। अच्छा हाँ जी, अभी और चेक करूँगा जाके उसको मैं, कहीं फट्टा या कोई ज्यादा कोई वो मेरे कोई खराब करी टाइप का कोई दिक्कत हो जाए। मेरठ जेल में कोहली को फांसी किस दिन और किस वक्त दी जाएगी, इस सवाल पर जेल अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना साफ कर दिया है कि मेरठ जेल में फांसी की तैयारी की जा रही है। वैसे हमने मेरठ जेल से जानकारी प्राप्त की तो अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल कंफर्मेशन या कम्युनिकेशन नहीं आया है, लेकिन इस प्रकरण के प्रत्याशा में हम लोग सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ले रहे हैं। एक जल्लाद है यहाँ, पवन जल्लाद, और उसका भी फाइल देखना पड़ेगा, उसका जो अपॉइंटमेंट है या उसका रिक्रूटमेंट है कब तक है क्या है, और सभी जो फॉर्मेलिटीज जो पूरे करने हैं वो पूर्ण कर लिए जाएंगे। सुरेंद्र कोहली को बुधवार को गाजियाबाद की डासना जेल से मेरठ ले जाया गया है, लेकिन उसकी फांसी का वक्त क्या होगा आधिकारिक तौर पर ये जानकारी अभी नहीं दी गई। इस बीच खबर ये है कि फांसी का आदेश जारी होने के बाद सुरेंद्र कोहली ने कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। वहीं कोहली के परिवार ने जेल से भेजे गए फांसी के आदेश का संदेश लेने से ही इनकार कर दिया। सुरेंद्र कोहली के गुनाह की कहानी ऐसी है कि उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब निठारी की कोठी नंबर D5 का राज खुला तो कोहली की हकीकत ने सबको हिला कर रख दिया। सनसनी में आगे देखिए कोठी नंबर D5 में कैद सुरेंद्र कोहली की खौफनाक कहानी। दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 31 में है निठारी गांव, वही इलाका जहां सुरेंद्र कोहली अपने मालिक की कोठी में बतौर नौकर रहता था। उन दिनों निठारी गांव में एक के बाद एक कई बच्चे लापता हो गए, लेकिन जब कोठी नंबर D5 का राज खुला तो निठारी गांव में मच गया कोहराम। 30 दिसंबर 2006 ये वही तारीख है जब नोएडा पुलिस निठारी की इस कोठी में पहुंची और फिर पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर लोग कांप गए। पता चला D5 की इस कोठी में एक ऐसा शख्स रहता है जो कहने को तो इंसान है लेकिन उसकी फितरत किसी राक्षस से कम नहीं है, और वो है D5 के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर का नौकर सुरेंद्र कोहली। दरअसल 30 दिसंबर को पुलिस निठारी की ही रहने वाली एक गुमशुदा लड़की के मोबाइल फोन के IMEI नंबर को खंगालते हुए इस कोठी तक पहुंची थी, और उसके बाद की कहानी ने सबको दहला दिया। पुलिस ने कोठी के नौकर सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की थी तो उसने बताया कि जिस गायब लड़की की तलाश की जा रही है उसकी उसने हत्या कर दी है।
और लाश के टुकड़े टुकड़े कर कोठी के ठीक पीछे बने एक नाले में फेंक दिया है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये कोठी 19 मासूमों के कत्ल की गवाह है। एक बोरे में पुलिस को कई मासूमों के कपड़े मिले और वो कपड़े उन बच्चियों के थे जिन्हें किसी बहाने से कोठी के अंदर बुलाया गया और फिर बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने D5 कोठी में बच्चों के मारे जाने का खुलासा करते हुए कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो जांच CBI के हवाले कर दी गई। जांच के बाद अदालत को सौंपी अपनी चार्जशीट में CBI ने जो खुलासा किया उसकी कहानी बेहद हैरान कर देने वाली थी, और वो कहानी थी करोड़पति कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर की रंगीन दुनिया की और उसमें घुटते उसके नौकर कोली के खौफनाक खेल की। अपनी चार्जशीट में CBI ने यह खुलासा किया कि मोनिंदर सिंह पंढेर अपनी कोठी में कॉल गर्ल को लाता था। कोठी में कॉल गर्ल्स को देखकर सुरेंद्र कोली की नीयत बदल गई। उसने कोठी के सामने वाली सड़क से बच्चों और लड़कियों को अगवा करना शुरू कर दिया। वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था और नाकाम होने पर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर देता था। फैसले से पहले कैमरे के आगे अपने एक बालिया बयान में मैजिस्ट्रेट के सामने कोली ने अपने गुनाह को स्वीकार करते हुए कहा था, सर ये जनवरी या फरवरी की बात है, घर पर मैं अकेला था। सेक्टर 30 से निठारी की ओर एक लड़की आ रही थी जिसका नाम रिम्पा हल्दर था, तो मैंने उसको काम के लिए बुलवा लिया और बुला करके मैंने उसको कहा दरवाजे पर रोक कर कि आप ज़रा रुको, मैं अभी मैडम से बात करता हूँ, आपके पैसे से भी बात करता हूँ। और जैसे वो लड़की अंदर की तरफ देख रही थी मैंने उसकी ही चुन्नी से उसका गला दबा दिया और उसको बेहोश कर दिया सर, और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम हो गया। और फिर उसके बाद मैंने उसको गला दबाकर उसे मार डाला सर। अच्छा, क्यों मार दिया? पता नहीं सर, कुछ ऐसे ही प्रेशर बना हुआ था। अच्छा। फिर मैं उसको ऊपर बाथरूम में ले गया सर, बाथरूम में उसको रख करके फिर नीचे आया रसोई में, रसोई से चाकू लेकर के गया, फिर उसको तुरंत काट डाला। अपने कुबूल नामे में कोली ने यह बात भी स्वीकार की थी कि उसने मासूम बच्चों की हत्या के बाद बाथरूम में लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए थे और किचन में बांह और सीने के मांस को पकाकर खाया था। कोली की इस कहानी ने तब हर किसी को दहला दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के बाद CBI ने कुल 19 मामलों में से 16 मामलों में चार्जशीट दायर की, लेकिन 16 मामलों में से उसने सिर्फ 6 मामलों में ही मोनिंदर सिंह पंढेर को आरोपी माना। निचली अदालत ने इस मामले में 13 मई 2009 को कोली और मोनिंदर को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट में अपील किए जाने के बाद कोली की सजा तो बरकरार रखी गई लेकिन मोनिंदर सिंह को बेल मिल गई। 12 मई 2010 को इस कांड के दूसरे मामले में कोली को फांसी की सजा सुनाई गई। 28 सितंबर 2010 को एक अन्य मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। 22 दिसंबर 2010 को चौथे मामले में फांसी का फैसला आया और फिर कोर्ट ने 25 दिसंबर 2012 को कोली को पांचवें मामले में फांसी की सजा सुनाई। कोली को जिन 5 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है उन्हीं 5 मामलों में उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को कोर्ट से जमानत मिली है। जमानत के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर अब जेल से रिहा होने का इंतजार कर रहा है, जबकि कोली को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी चल रही है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। Sunset.